रोग से हमें दूर रखो, हमें ये रोग ना लगे। भगवान शंकर माँ भगवती से बोले, देवी इसीलिए केवट अपनी नाव नहीं ला रहा। आज भोले बाबा ने भगवती को दूसरे प्रश्न के तीन कारण बतलाते हुए उत्तर बताया है। भोले बाबा कहने लगे, देवी तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल गया कारणों के समेत। भवानी बोली, हाँ महाराज मिल गया। अब एक प्रश्न बचा है, कौन सा? केवट कहता है भगवान राम से कि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ। तो आइए देखते भैया कि ये केवट भगवान राम का मर्म क्या जानता है। केवट भगवान राम का मर्म क्या जानता है, लास्ट प्रश्न है भवानी का। भोले बाबा कहने लगे, सुनो देवी। भवानी बोली, महाराज एक बात पहले हमारी सुन लो। तो बोले, बताओ पहले तुम अपनी कह लो। जब इतनी बात कही तो भवानी बोल पड़ी, सुनो महाराज, केवट बार बार कहता है भगवान राम से कि मैं तुम्हारा मरम जानता हूँ, जबकि श्रृंगी ऋषि हूँ मरम नहीं जाना। अरे श्रृंगी ऋषि आकर के महाराज दशरथ के घर में प्रोटेस्ट यज्ञ किया, वो श्रृंगी ऋषि। सुनो महाराज, श्रृंगी ऋषि हूँ मरम नहीं जाना। महाराज भगवान राम के तीन माताएं थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन तीनों माताओं में से कोई भी भगवान राम का मर्म नहीं जान पाई। जबकि सुनो, मर्म न जानी सकी महतारी, मर्म न जानी सकी महतारी, रही खेलावती बारी बारी। कभी कौशल्या भगवान राम को गोद में लेकर खिलाती, कभी कैकेयी गोद में लेती, तो कभी सुमित्रा गोद में लेती, लेकिन तीनों माताओं में से कोई भी भगवान राम का मर्म नहीं जान पाई। और सुनो महाराज, दशरथ मरम जाने जो पौत्र, प्रभु दशरथ मरम जाने जो पौत्र, तौ काहे बनवास पठाउते, तौ काहे लक्ष्मण तो हमेशा भगवान राम के साथ रहे, लेकिन लक्ष्मण भी भगवान राम का मरम नहीं जान पाए। सुनो, लक्ष्मण हो या मरम न जान जो पछुतारी तरचो भगवान। और सुनो, जब भगवान कहां से लंका पर विजय प्राप्त करके वापस अयोध्या आए, तब अयोध्या वासी भगवान को मिलने के लिए दौड़े, तो जितने अयोध्या वासी थे उतने भगवान राम भक्त बनाए और सबको मिले, लेकिन छड़ा मां सब ही मिले प्रभु, छड़ा मां सब ही मिले भगवान। उमा मर मैया
भगवान राम से कहता, केवट धरि धरि मारई ताना कहई तुम्हार मरम मैं। केवट बार बार भगवान राम से कहता है कि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ, मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ। जरा भैया विचार करना कि केवट भगवान राम का मर्म क्या जानता है। आइए जरा ध्यान देंगे। एक समय की बात, एक राजा अपने पुत्र को नहला रहे थे। अपने पुत्र को नहलाते नहलाते प्रसन्न चित्त होकर के गुनगुना रहे थे। तब तक क्या हुआ, उसी समय दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। जब दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ, राजा ने जैसे ही दुर्वासा ऋषि को देखा तो डर गए, क्योंकि दुर्वासा ऋषि महान क्रोधी है ना। राजा डर गए और डर के मारे एकदम सिकुड़ करके बैठ गए। जब बैठे तो दुर्वासा ऋषि ने उस राजा को देखा और राजा को देख करके दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया। अरे इस राजा ने मुझे देखा और मुझे देख करके प्रणाम नहीं किया, बल्कि कछुए की भांति अपने अंगों को सिकोड़ के बैठ गया। जा राजा, तूने मुझे देख करके प्रणाम नहीं किया, तूने मेरा अपमान किया, तो जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू कछुआ हो जा। भैया इतना श्राप देके दुर्वासा ऋषि को चले गए। समय के अनुसार वही राजा कछुआ हो गया। इधर उधर नदी तालाबों में भटक रहा है। एक संत को दया आ गई। उन संत ने क्या क्या कछुए को उठा करके क्षीर सागर में पहुंचा दिया। जब क्षीर सागर में पहुंचाया, क्षीर सागर में भ्रमण करते करते एक दिन ये कछुआ भगवान विष्णु के समीप पहुंच गया। भगवान विष्णु शेष सैया पर लेटे हैं। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरणों को दबा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। आज इधर कछुआ पैरों की तरफ जाता है कि मैं प्रभु के पैर छूलूं, चरण छूलूं तो हमारा उद्धार हो जाए। लेकिन जब पैरों की तरफ जाता है तो लक्ष्मी जी उठा करके फेंक देते हैं। सर की तरफ जाता है कि मैं सर की तरफ जाऊं, हो सकता है प्रभु की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए तो उद्धार हो जाए। सर की तरफ जाता है शेष नाग जी फुसकार मार देते हैं, दूर गिर जाता है। पैरों की तरफ जाता लक्ष्मी जी फेंक देती। सर की तरफ जाता शेषनाग फुसकार मार देते, किसी प्रकार से वो दर्शन न करने पाए। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी, केवट भगवान अंतर्यामी, कछुए की बात को समझ गए। और जब समझ गए तो मन ही मन कह दिया कछुए से, जा कछुआ तू त्रेता में केवट होगा, संगवेरपुर में तू केवट बनेगा। मैं जाकर के महाराज दशरथ के घर में अपने अंशों सहित अवतार लूंगा, अपने पिता की बात को मान करके, वचनों को मान करके 14 वर्ष के लिए वनवास जाऊंगा, तब मैं तेरे घाट पर आऊंगा, तब तू हमारे चरण छू लेना, तब तू मेरे चरण छू लेना। वही समय के अनुसार वही कछुआ आकर के श्रृंगवेरपुर में केवट हुआ है भैया। और वही भगवान विष्णु आकर के भगवान राम बने हैं, वही शेष भगवान आकर के लक्ष्मण हुए, वही लक्ष्मी जी आकर के सीता बनी। आज वही बात तो केवट कह रहा, महाराज अकेले ना आए हो, अकेले नहीं आए हो, दोनों गवाह साथ सनमुख खड़े हमारे भाई, सनमुख खड़े साथ में लाए हो। ये जौन मारे इठट बररत है, ये वह आए हुओ का इनके तेवर कम धोरो सरो महाराज। अरे ये वही शेष हैं, जब मैं सर की तरफ जाता था तो ये फुसकार मार देते थे, दूर गिर जाता था। ये सीता जी जो खड़ी हैं, ये वही लक्ष्मी जी हैं जो सीता जी बनी खड़ी, जब मैं चरणों के पास जाता था तो उठा के फेंक देती थी महाराज। और आप तो स्वयं हो ही, दोनों गवाह भी साथ में लाए हो, इसलिए महाराज तब लगिन तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारी हो। तुलसी दास नाथ कृपाल
कृपाल पार उतारी हो। तुलसी तू माने तुमको, ला माने लक्ष्मण को, सा माने सीता को, तीनों जने उठाए नहीं रखे हो मेरे सर। ऐसे नहीं उतारेंगे महाराज जब तक चरण नहीं धो लेंगे। अब तो भगवान समझ गए कि केवट हमको जान गया, अब तो यू कतई नहीं उतारी, अब तो मुझे जान गया लक्ष्मण, लेकिन नहीं जान पाए ना सीता जान पाए। केवट की बात को, केवट के भाव को केवल भगवान समझ पाए। तो केवट से बोल पड़े भैया, सुज्ञानी ओ सुज्ञानी हा, सुज्ञानी ओ सुज्ञानी हम जानी या तुम जानी, हम जानी या तुम जानी। इस बात को केवल तुम जानते हो और मैं जानता हूँ, और कोई इस बात को नहीं जानता है। तो ऐसा करो महाराज, अब हमको पार कर दो। केवट ने कहा ऐसे तो नहीं पार करेंगे महाराज। इधर क्या था, अब भगवान राम सीता की तरफ देखें और लक्ष्मण की तरफ देखा, तो सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा अयन चितहि जानकी लखन तन। केवट के अटपटे मीठे वचनों को सुनकर के भगवान समझ गए कि अब ये हमें पहचान गया है, अब ये ऐसे पार नहीं उतारेगा। सीता की तरफ देखा, लक्ष्मण की तरफ देखा, कहो भैया क्या करें, केवट तो पहचान गया महाराज, अब नहीं उतारेगा पार। तो भगवान राम केवट से बोले, भैया कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जेही नाओ न जाई, सोई करो जेही नाओ न जाई। सोई करो जही नाव ना जाए, अब तो तुम वही करो जिससे कि तुम्हारी नाव भी बची रहे और हम भी पार हो जाए। केवट ने कहा महाराज ऐसे नहीं लाएंगे नाव, ऐसे नहीं, आप ये मत कहो कि सोई करो जही नाव ना जाए, सीधे ये कहो कि लाओ कठौता लेकर आओ, हमारे चरण धो और हमें पार करो। ऐसा कहोगे तब आऊंगा। भगवान बोले बढ़िया जी, विडंबना है भाई, अब तो हमने कह दिया। बोला नहीं महाराज, ये कहो कि आओ हमारे चरण धो, तब हम आपके चरण धोएं, तब आपको पार करें। जब इतनी बात कही केवट ने कि जब तक ये नहीं कहोगे तब तक मैं पानी नहीं लाऊंगा, जल नहीं लाऊंगा, आपके चरण नहीं धोऊंगा। और जब इतनी बात कही तो भगवान कहने लगे, ठीक है अच्छा अब सुनो, सोई कृपालु केवट ही हो रात,
बजाए सुपारी, पानी का ठोटा भरी लैया। इतना ही नहीं, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पधारा, चरण सरोज पधारा, चरण सरोज अनुरागा चरण सरोज पखारन। केवट जाता है और जाकर के जल लाया। जिस समय जल लाया कठोते में रखा, भगवान से कहने लगा प्रभु अपना चरण दो। दाहिना चरण लिया भगवान का, कठोते में धोने लगा, बड़ी आराम से धोता। अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन, बड़े अनुराग के साथ, बड़े आनंद के साथ चरणों को। अब भगवान एक पैर से खड़े, उनकी हालत कोई नहीं जानता क्या बीत रही उन पर। और केवट बड़े आराम से पैर धो रहा है, गाता जाता, गुनगुनाता जाता, पैर धोता जाता। भगवान का एक पैर दर्द करने लगा तो लक्ष्मण का सहारा ले लिया। जब लक्ष्मण का सहारा लिया, अभी तक तो केवट नीचे पैरों को देख रहा है, धो रहा है, लेकिन जब नजर उठाई तो क्या देखा, लक्ष्मण का सहारा भगवान लिए हैं। एकदम केवट बोल पड़ा, महाराज धोना बंद कर देंगे चरण। तो भगवान बोले अब कुछ अभी बिगड़ेगा भैया? तो बोले हाँ बिगड़ गया। क्या बिगड़ गया? आप लक्ष्मण का सहारा क्यों ले रहे हो? ए लक्ष्मण तुम हटो दूर, तुम कहां बीच में आएगे, हटो हटो, यहाँ तो भक्त और भगवान की बात है, तुम कहे बीच में यहाँ टांगड़ाए बैठो, हटो पीछे। लक्ष्मण हट गए। अब बोले कैसे, क्योंकि भैया ने मना किया, राम ने मना किया बोलना, नहीं नहीं तो ये धोते हुए जड़ कठोता उठा ले जाएगा, आफत हो जाएगी। लक्ष्मण को हटा दिया तो भगवान बोले भैया तुम तो धो रहे हो, कितनी देर से धो रहे हो? अरे हमारा एक पैर दर्द करने लगा, हम सहारा तो चाहिए। तो केवट ने कहा हम बैठे हैं ना, इनके सहारे की क्या जरूरत है, हम बैठे हैं ना, हमारा सहारा पकड़ो। तो भगवान ने कहा तुम्हारा सहारा कैसे पकड़ो? तो कहा महाराज आप अपना दाहिना हाथ उठाओ, वो हमारे सर पर रख दो और हमारे सर के सहारे खड़े रहो। भगवान ने कहा ठीक है, अपना दाहिना हाथ उठाया और केवट के सर पर रख दिया। अब तो केवट और आनंद हो गया, एक चरण प्रभु का हाथ में है और भगवान का हाथ मेरे सर पर है, मुझसे बड़ा भाग्यशाली और कौन हो सकता है, कौन हो सकता है। धो रहा बढ़िया आराम से, लेकिन फिर भी कितनी देर तक धोएगा। लक्ष्मण जी थोड़ा भगवान के पास बढ़े और कहने लगे भैया हमका लगा आज दिन भर तो एक ही पैर धोई, और हमका लगा महाराज रुको कल यहाँ पर, इसकी कंडीशन तो ऐसे ही लग रहा महाराज। भगवान बोले भैया तुम न बोलो, तुम न बोलो। तो भगवान ने कहा भैया केवट बहुत देर से पैर से खड़े हैं, अब बताओ हम कितनी देर खड़े रहेंगे और तुम एक ही पैर नहीं धो पाए हो? नहीं नहीं बस महाराज धो गया, बस थोड़ा ही बचा धो गया। अच्छा तो अब ऐसा करो आप दूसरा पैर दो। और जैसे ही भगवान उस पैर को उठाए और पृथ्वी पर रखने के लिए चले, वैसे केवट बोल पड़ा बस महाराज रुक 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 रुक। अब क्या हुआ भैया? अरे अगर इसको नीचे रख दोगे तो दोबारा मिट्टी लग जाएगी, फिर धोना पड़ेगा। लक्ष्मण ने कहा महाराज अब तो गए काम से, अब तो गए, एक पैर धोएगा महाराज, और अगर उसको आप नीचे रखोगे नहीं तो दूसरा पैर धोने के लिए दोगे कैसे? और जब दूसरा धोगे तो वो पैर नीचे रखोगे उसमें मिट्टी लगेगी, उसको रखेगा नीचे उसको धोएगा महाराज, ये तो धोना ही धोता ही रहेगा, पर तो उतरने वाले हैं नहीं। केवट ने कहा प्रभु अगर नीचे रख दोगे तो फिर मिट्टी लग जाएगी, फिर धोना पड़ेगा। भगवान बोले तो क्या करें, क्या करें? तो कहा महाराज ऐसा करो, ये आपका जो दाहिना पैर है हमारे दाहिने हाथ पर रख लो, और आपका जो बायां पैर है ये कठोते में रख दो। भगवान बोले बड़ी अजीब विडंबना है। भगवान ने कहा अगर गिर गए भैया? तो केवट ने कहा गिरोगे कैसे, हम संभाल लेंगे ना, आप गिरोगे नहीं, आप रखो तो सही। अब भगवान राम ने कहा कि ऐसे कैसे रख दे,
गिर जाएंगे जब तक एक सहारा हाथ का नहीं मिलेगा। लक्ष्मण को पकड़ ले, अरे नहीं नहीं लक्ष्मण को तो मत पकड़ना, अगर लक्ष्मण को पकड़ोगे तो हम पैर नहीं धोएंगे महाराज, तो क्या करें? अरे महाराज सीधी सी बात है, दूसरा भी हाथ उठाओ और हमारे सर पर रख दो, क्या दिक्कत है? और दोनों हाथों के सहारे, हमारे सर के सहारे आप खड़े हो जाओगे। आज भगवान ने क्या किया, बाया हाथ भी केवट के सर पर रख दिया, और जब सर पर रखा इधर बाया पैर उठाया और केवट के बाएं हाथ पर रख दिया। आज ऐसे केवट के दोनों हाथों में भगवान के दोनों चरण हैं और केवट के सर पर भगवान के दोनों हाथ हैं। देवताओं ने देखा इसके समान कौन धन्य होगा। अरे वैसे तो परमात्मा सबको संभालता है, लेकिन वार केवट, आज केवट ने भगवान को संभाला है, इसके समान धन्य कौन होगा। भैया आकाश से फूलों की बारिश होने लगी, केवट ने बड़े प्रेम से चरण धोया और चरण धोने के बाद में अब केवट कहने लगा, अभी तो एक ही हाथ से आशीर्वाद मिल रहा था, अब तो दोनों हाथ से आशीर्वाद मिल गया, और जिसके ऊपर भगवान के दोनों हाथ हो जाएं उसका कभी अहित हो नहीं सकता, उसका कभी अमंगल नहीं हो सकता, हमेशा मंगल ही रहेगा। चरण धो लिए, चरण धोने के बाद में नाव पर कहने लगा, महाराज अब तो हम चरण धो चुके, अब आपको अपनी नाव पर बिठाएंगे। आज केवट क्या करता है, भगवान राम को अपनी नाव पर बिठाया, और जिस समय नाव पर बिठाता है तो पद पखारी जलपान करी, आप सहित परिवार पितरु पार कर प्रभु ही पुनि मोदित गयो ले पार। केवट ने भगवान के श्री चरणों का चरणा चरणोदक लिया, अपने पूर्वजों को पहले पार किया, अपने पुरखों को पहले पार किया, और फिर अब भगवान को अपनी नाव में बिठाता है। और जब भगवान को अपनी नाव में बिठाया, चल पड़ी जिस समय नाव भैया, तो आज केवट बोल पड़ा, क्या बोला कि कभी कभी भगवान को भी, अरे कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। ओ जाना था गंगा पार प्रभु के वक्त की नाव चले, जाना था गंगा पार प्रभु के वक्त की नाव चले, मैया सीता निषाद राजगो सबको बिठा नाव पर और लेकर के नाव चल पड़ा। जिस समय नाव लेकर के चला, नाव धीरे धीरे चली भैया, अब जरा समझना, धीरे धीरे नाव चली, जब बीच धारा में पहुंची तो केवट ने पतवार छोड़ दी। भैया केवट ने पतवार छोड़ दी, लक्ष्मण ने देखा, भैया से बोले, राम से बोले, भैया देखो केवट ने पतवार छोड़ दी, अब तो ये डुबा के मार डालेगा, अब तो ये डुबा देगा। केवट ने कहा हम क्यों चलाएं,
हम क्यों चलाएं? जब पतवार चलाना छोड़ दिया तो नाव जो थी वो बीच धारा में चक्कर काटने लगी। भैया चक्कर काटने लगी, एकदम से 10 चक्कर काटे। लक्ष्मण ने कहा भैया इससे कहो कि ये पतवार पकड़ ले। अरे नाव 10 चक्कर काट चुकी है। भगवान राम ने कहा भैया जब पतवार काहे चढ़े बैठो। केवट ने कहा प्रभु अब इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं महाराज। लक्ष्मण ने कहा भैया अरे इसकी नाव पर न बैठते, किसी दूसरे की नाव पर बैठ लेते तो कम से कम पार तो हो जाते। और अब देखो महाराज किनारे पर नहीं पतवार छोड़ी, छोड़ी तो बीच धारम काहे वाले नहना इसी महन में वैसे महाराज पारो नहीं हो सके पैरव ना आवो। लक्ष्मण ने कहा प्रभु भैया ये केवट घाट पर कह रहा था कि तुम केवट हम केवट तो महाराज इस करो तुम्हें पतवार पकड़े ले। आज महाराज तुम्हें पकड़ ले। तो भगवान बोले लक्ष्मण का तुम हमका केवट समझ ले हो का? हमका कब हो नाव चलाए हैं? लक्ष्मण ने कहा भैया यही केवट तो कह रहा था। और केवट क्या करता है जब राम और लक्ष्मण में बहस होने लगी तो केवट एकदम बढ़िया आराम से पैर पसार कर उसी नाव में लेट गए। लक्ष्मण ने कहा भैया अब तो पक्का गए, अब तो बचने की स्थिति नहीं है। तब तलक नाव फिर चक्कर काट चुकी, 20 चक्कर काट चुकी। लक्ष्मण ने कहा भैया फिर से 20 चक्कर नाव ये चक्कर काट चुकी है महाराज, 30 हो गए। केवट ने कहा तो वही कौन बहुत ज्यादा हो गया भैया और काटे दे। भैया जरा विचार करना। उसके बाद में फिर 20 चक्कर काटे नाव ने। लक्ष्मण बोले भैया अब तो फिर 20 काट चुके, अब तो 50 हो गए। तो केवट ने कहा घबरात का है, अभी तो 50 ही है, अभी तो 50 ही है, अभी और काटने दो। और वो बढ़िया आराम से नाव में लेटा है। भगवान कहते हैं लक्ष्मण ज्यादा कुछ बोलबो ना करो, नहीं तो पैर ले तो हम तो पैरू नहीं पैती। अगर कहो नाव से कूद गवा तो फिर समझ लो हमार तुम्हारी हम राम नाम। इससे बढ़िया यही है कि कुछ बोलो ना, यो पहुड़ा है तो इनका पहुड़ा रहे तो लेटा रहे। उसके बाद नाव फिर चक्कर काटी, भैया 30 चक्कर काट दिया की बार नाव ने। जब 30 चक्कर काटे गोल गोल, लक्ष्मण ने कहा भैया अब तो 30 चक्कर और हो गए, सब मिला के कितने हुए 50 30 80। केवट ने कहा भैया 4 और काट लेते, ज्यादा ना 4 चक्कर और काट लेते। भैया फिर नाव 4 चक्कर काटी, जब 4 चक्कर काटी तो लक्ष्मण ने कहा भैया अब ऐश करो तो वह आंखें मूंद लो हम हूं मूंद ले, क्योंकि अब अंतिम समय, अब तो पूरे 84 हो गए। केवट उठ करके बैठ गया, प्रभु यहां तो केवल नाव ने 84 चक्कर काटे हैं तो बड़ा परेशान हो गए हो, और तुम प्राणी को 84 लाख योनियों में भटकाते हो महाराज, तब तुमने नहीं सोचा। भगवान बोले जो तो हम तो बड़ा वाला, हमसे भी बड़ा वाला। भगवान ने कहा भैया तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अब ऐश करो तुम जौन कहो सब हाँ है, लेकिन हमका पार कह दो, कोई तने से उपार कह दो। जैसे इतनी बात कही तो केवट ने कहा हमें अब चलाने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि मेरी नैया में बैठे भगवान। अरे सबकी नैया आप पार करते हो और आप हमारी नाव पर बैठे तो हम इसको चलाएं, खुद ही अपने आप चलेगी, और ना चले तो तुम जानो तुम हो बड़ी हो हम हो बूढ़ा, कोई दिक्कत ना है। मेरी नैया में बैठे भगवान कि गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में बैठे भगवान कि गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया भगवान।
मेरे भाई धीरे धीरे नाव इस पार से उस पार पहुंची, और जब उस पार पहुंची तो उतरे ठाड़ भय सुर शरीरेता, उतरे ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिया राम गोला घन समेता, भगवान राम इस पार से उस पार गए, जब केवट कहने लगा प्रभु अब तो आप उस पार से इस पार आ गए हो, भगवान ने कहा भैया बहुत बहुत धन्यवाद है तुम्हारा जो हम उधर से इधर आ गए। आज भगवान राम लक्ष्मण मैया सीता निषाद राज को तीनों लोग गंगा की रेती के किनारे खड़े हुए, जिस समय गंगा के इधर किनारे खड़े हैं बालू की रेत में, केवट बाग में उतरा, दंडवत प्रणाम किया। भगवान राम विचार करने लगे कि हम केवट को उतराई क्या दें, केवट को उतराई क्या दें, अपने मन में प्रभु सब कुछ गए, सीता जी पास में खड़ी हैं, अरे वो पत्नी ही क्या है जो अपने पति के मन की बात न जान पावे, भैया वो पत्नी ही क्या है जो अपने पति के मन की बात ना जान पावे। जब भगवान राम सकुच गए कि मैं केवट को क्या दूं, तो सीता जी पास में खड़ी पी ही की सी जान निहारी, मन मुंदरी मन मुदित, अपनी अंगूठी निकाली और भगवान राम के हाथ पर रख दिया, बोली प्रभु ये केवट को उतराई दे दो। जैसे ही भगवान राम ने केवट की तरफ हाथ बढ़ाया, वो अंगूठी बढ़ाई, लो भैया ये तुम्हारी उतराई, केवट हाथ जोड़ के बोला महाराज अरे आप क्या कर रहे हो, चरणों को पकड़ लिया, महाराज आप क्या कर रहे हो, आज नाथ मैं कहा न पाया, अरे आज मुझे क्या नहीं मिल गया, मुझे तो सब कुछ मिल गया महाराज, आपका दर्शन हो गया मुझे।
सर्वस्व मिल गया। शिव प्रभु नाथ आज मैं कहा न पावा, आज मैं कहा न पावा, मुझे दोष दुख दार दुरावा, मुझे दोष दुख दार दुरावा, मुझे दोष दुख दार दुरावा, मुझे दोष दुख दार दुरावा। बट कहने लगा महाराज आज मुझे क्या नहीं मिल गया, अरे हमने इतने दिनों तक मेहनत मजदूरी की लेकिन मजदूरी का फल तो महाराज आज मुझे मिला है, उसका फल तो मुझे आज मिला, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। इसलिए बहुत काल में तीन मजदूरी, बहुत दिनों तक हमने मजदूरी की महाराज, लेकिन आज दीन दीदी बनी भली धूरी। आज तो परमात्मा ने मुझे इतना बड़ा धन दे दिया कि अब इसी इसके अलावा और मुझे कोई धन नहीं चाहिए। सुनो महाराज अब कछु नाथ न चाहिए, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल मिल गया। हमने बहुत वर्षों से मैंने मेहनत मजदूरी की लेकिन आज मेहनत का मजदूरी का फल तो मुझे आज मिला, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अगर फिर भी आप देना चाहते हो तो सुनो महाराज, फिर भी यदि आप देना चाहते हो केवट कितना होशियार भैया ध्यान दीजिएगा, केवट विचार करने लगा कि प्रभु अब वन को जा रहे हैं तो हमारे घाट पर आए हैं, मैंने इतनी देर तक प्रभु के साथ में रहा, अपने जीवन को धन्य किया। तो केवट सोचने लगा प्रभु अगर मुझे देना ही चाहते हो तो फिरती बार 14 वर्ष व्यतीत करने के बाद जब आप वापस आना तो फिरती बार मोहि जो देवा, मोहि जो देवा,
जो सौभाग्य मुझे आज मिला है, भगवान से कहता है प्रभु आप तो अब 14 वर्ष के लिए वन को जा रहे हो, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते तो मैं अभी नहीं लूंगा, मैं अभी नहीं लूंगा। फिर तीसरी बार जब 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद जब वापस होना तो फिर आप हमारे घाट पर आना, फिर मैं आपके चरणों को धोऊंगा और फिर मैं आपको गंगा पार करूंगा। केवट सोच रहा है इस पार से तो लाभ मिल गया, और भगवान वो पार से हमें तो फिर हमका गुण भाव मिल जाए, फिर चरण धोने को मिल जाए तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाए। लेकिन भगवान राम ने बहुत कहा पर केवट ने कुछ नहीं लिया। बहुत कीन प्रभु लखन सिया नहीं केवट कछु ले, और विदा कीन करुणा यतन भगत विमल बरले। बहुत कहा भगवान राम ने लेकिन केवट में कुछ नहीं लिया। अंत में भगवान राम ने केवट को विमल भक्ति का वरदान दे करके अब आगे बढ़े। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। भोले बाबा माँ भगवती से कहने लगे, देवी यही तो केवट भगवान राम का मर्म जानता था, तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर कारण उसके सहित तुम्हें मिले। भवानी बोली, हाँ महाराज मिल गए। आज भवानी जिस समय इस कथा को सुना, बार बार भगवान शंकर के चरणों में अपना शीश झुकाया और कहने लगी, प्रभु ये कथा सुनकर के मैं धन्य हो गई। एक बार जयकारा बोलिए शंकर भगवान की, आदिशक्ति मैया की। आइए, एक बड़ा सुंदर भाव है।